हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग पर। आज की शुरुआत फिर बारिश के साथ हो रही है। आपको आवाज़ पीछे आ रही होगी तो बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। अभी लगभग बज गया है शाम का 3:30। आज सारे क्लास में सुबह ही पढ़ा दिया था तो आज हम लोगों ने बारिश को धोखा दे दिया। ठीक है सर, और अभी मस्त दाल चावल परिमल है और रोटी है। ठीक है, तो आज चलिए ब्लॉग को यहीं से शुरू करते हैं। खाते हैं दाल चावल, चावल थोड़े से ही लिए हैं, बाकी परिमल है, रोटी है, खा लेते हैं और चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो अभी हो गई है शाम, थोड़े से पैसे वगैरह देने थे लोगों के और कई लोगों से मिलना था तो निकले हुए थे। तो एक्चुअल में अभी हम आए रामलीला मेला की तरफ। ठीक, बहुत बुरी पोजीशन है मेले की, थोड़ा सा दिखाते हैं। ये देखिए, ये है मेले की हालत, बिल्कुल कीचड़ भरा हुआ। देखिए मेले की हालत एक्चुअल में बहुत खराब है, बिल्कुल नदी टाइप लग रही होगी आपको, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कोई झील है, लेकिन ये रामलीला वाला मेला है और बहुत बुरी हालत यहाँ पे हो गई। काफी रोजगार का भी नुकसान हुआ है, लेकिन खैर ऊपर वाले को जो मंजूर होता है वही होता है। चलिए अब चलते हैं घर, पहले कुछ खाते पीते हैं, देखते हैं अगर कोई व्यक्ति कुछ बेच रहा होगा साइडों में तो खाते पीते हैं, फिर चलते हैं घर। तो अभी हम लोग आ गए सीतापुरा ये हॉस्पिटल के पास। ये वाले आलू अंकल जी के बहुत बढ़िया लगते हैं, चलिए खा लेते हैं फिर चलते हैं घर। तो अभी हम लोग बैठे हुए हैं घर के सबसे खुफिया कमरे में, जो सन्नाटा जहाँ पड़ा था, किताबें सामान वगैरह सब रखा रहता है। तो अभी पी रहे हैं मस्त चाय, चाय वगैरह पी लेते हैं फिर चलते हैं फटाफट से कोचिंग, क्योंकि वीडियोज वगैरह बनाएंगे। तो अभी फिलहाल शाम हो गई है, ठीक है, चलेंगे कोचिंग, वीडियोस वगैरह बनाएंगे। पीछे हैं मम्मी, ये अपना तैयार है। और आज हम लोग जाएंगे रामनगर शिवम दादा के, थोड़ा चोट वगैरह लग गई तो उनकी दवाई वगैरह देनी है। चलिए चलते हैं, वीडियोस वगैरह बना लेते हैं, अपनी गाड़ी खड़ी हुई है, चलिए वहाँ चलते हैं, वीडियोज बनाते हैं फिर चलते हैं रामनगर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रामनगर, बहुत ज़्यादा ठंड है दोस्तों और अंधेरा भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। ठीक, लगभग रात का 10 बज गया। पीछे मम्मी है, अपना टोपा वा लगा के बैठी हुई है। ठीक है, हम शर्ट पहने हो तो थोड़ी सी ठंड लग रही है। शिवम दादा की थोड़ी चोट वगैरह लग गई थी तो चलते हैं उन्हें देख लेंगे, उसके बाद चलेंगे फिर घर। अभी हमने 2-3 वीडियो पब्लिक कर दी थी, फिलहाल फाइनली चलते हैं वहां पर, देख लेते हैं, मिल लेते हैं, फिर चलते हैं घर। अभी हम लोग फाइनली हैं मिस्टर इडली पर, ठीक है, जो है यहाँ पेट्रोल पंप के पास। चलिए गोलगप्पे खा लेते हैं फिर चलते हैं। फिलहाल आपको बताएं बहुत ही बढ़िया टेस्ट था, सारी चीजें बहुत बढ़िया, लेकिन थोड़ा सा हमें महंगा लगा। 7 रुपए का एक गोलगप्पा था सर, ठीक है, तो टोटल लगभग 32 रुपए की प्लेट थी जिसमें 5 ही गोलगप्पे थे। हमने 4 प्लेट ली थी, फिर मम्मी ने थोड़े बहुत खाए, 2-3, उसके बाद बाकी फिर हम ही ने खा लिए। तो अभी आ गए घर पे, हम लोग थे मिस्टर इटली पे। टेस्ट वगैरह बेहतरीन था, फिर हमें यह लगा कि जब इतनी प्लस ग्लव्स वगैरह पहन के कायदे से उन्होंने खिलाया, इसका अगर सब कुछ ठीक है तो 7 रुपए कोई महंगा नहीं है। और आप भी एक बार जरूर जाएं खा के देखें, हमें पर्सनली अच्छा लगा, टेस्ट वगैरह सब बढ़िया था। हाँ थोड़ा सा महंगा, क्योंकि 140 रुपए खर्च हुए और हम लोगों ने 20 गोलगप्पे खाए। 140 में तो पूरा मोहल्ला खा लेता है, ये वाला मामला नहीं, हम लोग देसी टाइप लोग हैं, लेकिन मम्मी हमारी कह रही थी, लेकिन एक्चुअल यही है, मस्त था जैसा भी था, ठीक है, बहुत बढ़िया था। तो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 7 रुपए का एक गोलगप्पा। आपने अभी तक सबसे महंगा गोलगप्पा कै रुपए खाया, बोले हम तो 10 के 10 ढूंढते हैं। कमेंट करके बताइएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।